जब भी कोई स्टूडेंट इंडिया से कनाडा पढ़ने आता है तो सबसे पहले उसका जाने का कहाँ मन करता है? कॉलेज। कॉलेज तो ठीक है, जा रहे हैं हम इसके कॉलेज आज, इसको कॉलेज दिखाते हैं आपका। जरा पता पता करके उनको पैसे मिले कि नहीं मिले मेरे। हाँ, और उसके बाद फिर बैंक जाना है पैसे निकलवाने के लिए। तो कहाँ जा रहे हैं हम? सिजिप डिला जेस्पसी है, ये भी वहाँ जाके पूछेंगे। बड़े अजीब से फ्रेंच नाम वाला कॉलेज है इसका। अभी यहाँ पहुँचे तो पता लगा कि इसका कैंपस चेंज होना है और यहाँ पे तो होगा नहीं, बट हमने सोचा ये जगह देख लें फिलहाल एक ऐसा। तो कॉलेज के रेक रूम में हम आ गए हैं और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ही इंडियन हैं, मोस्टली पंजाब से, और सारे पीछे अपना टीटी शीटी खेल रहे हैं। अभी हमने थोड़ी गपशप मारी है कि इससे बात करते हैं, पूछते हैं कॉलेज कैसा है। बट ओवरऑल डाउनटाउन में, बट लोकेशन मूव हो जाएगी, चला जाएगा ये शहर से थोड़ा सा दूर, और वहाँ पे एडवांटेज ये है कि उधर शोर बहुत है, बाहर जाके बात करते हैं। देसी इकट्ठे हो गए ना। तो बेसिकली मॉन्ट्रियल जो है वो एक आइलैंड है और हम आइलैंड ऑफ मॉन्ट्रियल पे नहीं, उसके बाहर रह रहे हैं, इसलिए हमें सस्ती जगह मिली है। तो अब हम मॉन्ट्रियल आइलैंड में एंटर कर रहे हैं। गाड़ी से रास्ता आधे पौने घंटे का है। इस टाइम मैं आया हूँ दोपहर के 12:30 बजे, तो रश आवर नहीं है, तो इसलिए हम आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। अदरवाइज अगर रश आवर के टाइम जाया जाए तो बहुत टाइम जाता है, 45 मिनट्स, 1 आवर कम से कम। तो बस अब सामने मॉन्ट्रियल है, पहले सबसे पहले सीधा जाना है इसके कॉलेज। अब भले ही देखने में ये बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी लग रही हो, बट इसकी कोर काफी हिस्टोरिक और कल्चरल है, और यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे यंगस्टर्स एंड स्टूडेंट्स। और क्योंकि ये अमेरिकन हार्टलैंड में एक फ्रेंच सिटी है, तो यहाँ पे स्टाइल काफी यूरोपियन है, जो आपको यहाँ के घर देख के लग ही रहा होगा। Destination is on the left. Yeah. हाँ जी, 1001. अरे कॉलेज आ गया भाई का। पार्किंग की जगह कहीं नहीं है। कहाँ है? किसी भी नॉर्थ अमेरिकन या यूरोपियन सिटी के डाउनटाउन की तरह मॉन्ट्रियल में भी गाड़ी लगाना उतना ही मुश्किल है जितना कहीं और, बट तुक्के से हमें जगह मिल गई है, और ये मिली है इसके कॉलेज के बिल्कुल पास में। आसपास तो कोई जगह नहीं थी, बट यहाँ पे भी पार्किंग पे करनी है। देखिए जरा कितनी है, क्या भाई रेट? मैक्स $2.50 दो घंटे के। तो यानी कि $2.50 2 घंटे में तो हो जाएगा हमारा काम, है ना? मैक्स पेमेंट करके ही चलते हैं। तो अब यहाँ पे पेमेंट करनी है, या तो सिक्के भी डाल सकते हैं, कार्ड भी, बट पहले प्लेट नंबर डालना होता है अपनी गाड़ी का। प्लेट उसके बाद नहीं डालना था इधर, नहीं सिर्फ स्पॉट नंबर डालना, स्पॉट नंबर डालना। ओके, तो यहाँ पे ये लिखा है स्पॉट, ये लिखा है W400A। तो W400A की पेमेंट करनी है, और क्योंकि ये स्पॉट आइडेंटिफाइड है तो इसीलिए इसकी रसीद जो है वो डैशबोर्ड पर रखने की जरूरत नहीं होती। नहीं होती ना? वेरी गुड, करो पेमेंट। अरे हैं $2? हाँ है ना भाई, शाबाश। W401 ना, 401 हो गया, डालो और लो जी, दबा दो ओके बटन। चेक कराओ, इस पर लिखा है नॉट रिक्वायर्ड टू बी पुट, नो नीड टू, इधर लिखा ना इंग्लिश में, नो नीड टू प्लेस रिसीट इन योर व्हीकल। दो घंटे में तो हो जाएगा अपना काम, आराम से इंक्वायरी करके आनी है, आराम से हो जाएगा। चलो हाँ, ये ठीक है। देख पेडेस्ट्रियन की औकात देख रहे कितनी है, कि यहाँ पे पेडेस्ट्रियन का रास्ता ब्लॉक है, तो आपके लिए अलग से सड़क पे सेफ पैसेज बना रखा है। पेडेस्ट्रियन नंबर वन है भाई, राइट ऑफ वे। और मॉन्ट्रियल की मेन स्ट्रीट्स में से एक शेरब्रूक पर ही है। भाई का कॉलेज
घर यहाँ काफी यूरोपियन स्टाइल के हैं और सफाई की तो खैर मैं बार बार तारीफ कर ही चुका हूँ। तो यहाँ तो क्लासरूम है बट अभी क्या पता लगा है कि लोकेशन जो है कॉलेज की चेंज हो रही है, तो हम यही चीज क्लियर करने आए थे। हाँ, तो अब ये किसी मेट्रो स्टेशन में शिफ्ट हो रहा है तो सर्दियों में बड़ा आराम हो जाएगा, बट सेंटर से 10-15 मिनट आगे है, 20 मिनट मान के चलो तो। हाँ, बट वहाँ पे सस्ती मिलेगी। चल ठीक है, इट्स अ गुड थिंग। हाँ, तेरे को सेंटर में ना हो क्या फर्क पड़ता है, बट ये अब जो जहाँ हमने वो सब लीज दिया है ना, ये वहाँ से 1 घंटा 25 मिनट दूर हो जाएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट। चलो फटाफट ढूंढते हैं फिर आपके लिए कुछ। चलो ये तो नई इन्फॉर्मेशन मिली है, बाकी यहाँ इंडियन बहुत हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का तो पता नहीं, पर यहाँ पे तो पंजाबी जरूर सीख जाएगा। कॉलेज तो काफ़ी डिसेंट है और बिल्कुल डाउनटाउन के बीच में है, वो अलग बात है कि यहाँ से मूव होने वाला है, यहाँ से 15 मिनट दूर नॉर्थ की तरफ, तो डाउनटाउन से हट जाएगा तो एटलीस्ट वहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। और ये एक मेट्रो स्टेशन में जा रहा है तो उसकी एडवांटेज ये है कि मेट्रो स्टेशन का जैसे बहुत बड़ी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स होता है उसमें एक फ्लोर ये ले रहे हैं, उस केस में सर्दियों में बहुत आराम आएगा। ये नहीं है कि आपको बस से उतर के पहले चल के जाना है, सीधा मेट्रो स्टेशन से अंदर ही अंदर कॉलेज पहुँच जाएगा, विच इज़ अ गुड थिंग। दूसरी बात ये कि यहाँ पे इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, अराउंड 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस कॉलेज आर इंडियन, अ लॉट ऑफ देम आर फ्रॉम पंजाब, तो ये इंग्लिश जो है सीखे ना सीखे पंजाबी जरूर सीख जाएगा। सॉरी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखे ना सीखे पंजाबी जरूर सीख जाएगा। ठीक है, आप सही बोला है। ठीक है, फिर हमने अंदर जाके ये पूछा कि भाई इसका आप शेड्यूल बता दीजिए कि क्या होगा, टाइम टेबल एंड एवरीथिंग, ताकि वीकेंड क्लासेस ऑप्शन है या नहीं है, वीकडेज में ले सकता है, ताकि 20 आवर्स अ वीक जो एक स्टूडेंट कनाडा में लीगली काम कर सकता है ये वो काम कर ले, अपनी पॉकेट मनी थोड़ी सी बना ले। तो उन्होंने कहा कि 23 सितंबर को ओरिएंटेशन सेशन स्टार्ट होगा जो कि तकरीबन एक हफ्ता चलता है, जिसमें सारी चीज़ें बताई जाएंगी, फेमिलराइज कराई जाएंगी और वो नई लोकेशन पर होगा। तो वैसे तेरे को मैं एक बात बताऊँ, डाउनटाउन ये टेक्निकली डाउनटाउन का बिल्कुल एज है, तो इसलिए जो मेन डाउनटाउन की एडवांटेज होती हैं बैठ जा वो तो यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं है, वो अलग बात है एरिया बेटर है, बट अगर तू डाउनटाउन से बाहर निकल जाएगा ना, एक सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही हो गया कि तेरे को सर्दियों में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सीधा तेरा उसके अंदर है। दूसरी बात ये, हम कभी आएंगे वहाँ पे तेरे को लेने मिलने तो पार्किंग की बस उड़ी नहीं आएगी। तीसरी सबसे बड़ी बात ये डाउनटाउन से बाहर कॉलेज होने की कि तेरे को एकोमोडेशन उसके पास सस्ती मिल जाएगी, दैट्स द बेस्ट थिंग। तो अभी तो कॉलेज हमने बस सरसरी नज़र मारी है, थोड़ी बहुत क्लासेज हैं यहाँ पे इसके अंदर, और अभी कोशिश करते हैं किसी करेंट स्टूडेंट से बात कर लें ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि ये कैसा है, बट क्योंकि लोकेशन चेंज होने वाली है तो पूरी डिटेल तो जो है जब 23 सितंबर को इसका एक्चुअल इनटेक होगा तब आएंगी। अभी ब्रीफली देखते हैं, किसी से बात कर ले तो। हाँ, क्या रिपोर्ट है? चलो फिर करें बात हम लोग। ओए होए, खिंच के स्मैक लाई है। तो निखिल के कॉलेज तो हम पहुँच गए हैं, बट ये भाई साहब यहाँ पे पढ़ रहे हैं कॉलेज में, तो मैंने सोचा आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लूँ कॉलेज के बारे में जो एक बेसिकली स्टूडेंट को चाहिए होते हैं, और जब आंसर कर रहे होगे ना तो मैं भी, इफ यू कैन लुक टुवर्ड्स द कैमरा। ठीक है जी, आप पहले मेरे को ये बताइए कि यहाँ पे आपको कितने सेशन हो गए हैं पढ़ते हुए? तीन सेशन बेसिकली, एक सेशन 3 महीने का है, तो 3 यानी 9 महीने हो गए यहाँ पर। तो 9 महीने मतलब आपके, और बाकी कितना बचा? अभी 3 महीना बाकी है एक कोर्स के लिए। तो यहाँ पे आप कितने टाइम के लिए आते हो? हाउ मेनी डेज अ वीक? 3 दिन के लिए आते हैं, मंडे टू वेनसडे। सो दूसरे स्टूडेंट्स का अलग अलग बैच होता है कॉलेज के रूल्स के हिसाब से, और मेरा मंडे से वेनसडे है, सुबह 8:30 से और 4 बजे खत्म हो जाता है। एंड यू आर वर्किंग साइड बाय साइड? या आई वर्क ऑन वीकेंड्स, मैं वीकेंड्स पे काम करता हूँ, और थर्सडे फ्राइडे फ्री टाइम है एंजॉय कर सकते हैं, मॉन्ट्रियल जा सकते हैं, आ सकते हैं, आ सकते हैं, वीकेंड्स पे काम होता है और 3 दिन कॉलेज होता है। सही है। अब ये चीज़ आप मेरे को थोड़ी सी ये बताओ कि यहाँ पे आप 20 घंटे काम कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट? जी हाँ, 20 घंटे काम कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ओके, और जब ब्रेक टाइम होता है, यानी कि जो एक सेशन के बाद हमको एक ब्रेक मिलता है 15 से 20 डेज का, ओके, वो टाइम पे आप फुल टाइम कर सकते हैं, यानी 40 आवर्स कर सकते हैं एक वीक से। ओके, और यहाँ पे मिनिमम वेज रेट क्या है कि अगर जैसे कोई मैकडॉनल्ड्स में मिनिमम वेजेस मॉन्ट्रियल में 12.5 है, $12.5 पर आवर, लेकिन अगर आपका काम अच्छा हो कुछ हो तो आप बात कर सकते हो, और आपको
मिनिमम वेज से ज्यादा मिल सकता है, लेकिन मिनिमम तो मिलेगा कैसे। और टैक्स कितना कटता है? टैक्स कटता था $1.50, तो $11 आपके हाथ में मिल जाते हैं। $11 हाथ में आए थे लगभग, तो इसका मतलब एक महीने में 700-800 के आसपास 20,000 फोन यार, इसके लिए हमको फोन लेना है, तो फोन कनेक्शन कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा? सबसे बेस्ट तो डिपेंड करता है, आपको मॉन्ट्रियल में बहुत सारे रिटेलर्स है जो कंपनीज के लिए काम करते हैं, किसी भी स्टोर पे आप वॉक इन कर सकते हैं और एक अच्छा सा प्लान ले सकते हैं, आपको नंबर आराम से मिल जाएगा। आप कौन सा यूज करते हो? मैं रॉजर्स यूज करता हूँ। और कितना आता है मंथली रेंट उसका? $50 प्लस टैक्सेस, तो $60। डेटा 4 gigs है अभी, यहाँ पर डेटा का थोड़ा प्रॉब्लम है, अनलिमिटेड नहीं है इंडिया के जैसा। यार भीड़ मेरे पीछे लगी है, इधर किसी को नहीं आना किसी दिन नहीं आना, सीरियसली एवरीबॉडी इज कैमरा शाय। अश्वा हाँ मामा ओके, मेरे पीछे कम से कम 10 स्टूडेंट खड़े हैं और सारे इंडियन हैं आई गेस, और सामने कोई नहीं आ रहा, आई डोंट नो, इंडियंस तो वैसे दे रहे हैं यार, कनाडा के ही शाय हो जाते हैं सारे। श्योर नो इशू, इंटरव्यू ओके, ऑलराइट। There are a couple of ladies who just happened to come. Hindi mein, please. You can channel Hindi mein. तो आपको कितना time हो गया यहाँ पे? One year. One year complete हो गया. आप graduation करके post graduate diploma के लिए आए? हम लोग diploma के लिए आए actually, graduation diploma के लिए. After that we can फिर हम लोग post graduation diploma करेंगे। Okay, तो India में आपने कितनी 12th करने के बाद आया? नहीं, मैंने graduation वहाँ पे की हुई है। अच्छा, graduation वहाँ करने के बाद अब ये basically आपका diploma के लिए post graduate diploma। यार बाकी सारी बातें मैंने पूछ ली, पहले बताओ ये कॉलेज कैसा है? कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, जो कोर्सेज वगैरह है बहुत अच्छे है, आपको पीआर डालते समय भी बहुत सहूलत मिलेगी इससे, क्योंकि पॉइंट्स वगैरह जो बनते हैं अपने कोर्स के अच्छी वैल्यू के हिसाब से, आपके जॉब प्लेसमेंट के हिसाब से, तो उसके लिए बहुत अच्छा कॉलेज है ये बेसिकली। जो दूसरे कॉलेज है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, उसके हिसाब से ये कॉलेज बहुत अच्छा है। तो आप ये बताओ कि यहाँ पे स्टूडेंट मोस्टली इंडियंस है? मोस्टली इंडियंस है, मैं शायद ही किसी और नेशन से कोई स्टूडेंट देखा हूँ, ब्राज़ील से या चाइना से है, लेकिन हर क्लास में शायद दो तीन। तो अब ये आप इसको पॉजिटिव मानते हो या नेगेटिव मानते हो, या फर्क नहीं पड़ता? फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली, क्योंकि इंडियंस ही है जो ज़्यादातर मूव होते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री, कहीं भी जाओ आप इंडियंस और चाइनीज ज्यादा मिलेंगे, लेकिन ये कॉलेज में इंडियंस ज्यादा है, तो होमसिक भी थोड़ा कम फील होता है। कम फील होता है, दोस्ती आसानी से। अब एक बार कॉलेज आ जाओ तो सब ठीक है। ठीक है, तो मतलब घर की याद आती है या दोस्त? घर की याद शुरू में आएगी, उसके बाद दोस्त वगैरह बन जाएंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल पार्टी सिटी के हिसाब से कैसी है? मॉन्ट्रियल पार्टी सिटी है एक्चुअली, आप बहुत सारे समर में फेस्टिवल्स है, आप अभी आप जाओगे सन कैथरीन या बहुत सारे स्ट्रीट्स पे डाउन टाउन में घूमोगे तो हर जगह आपको पार्टी वाला एनवायरमेंट मिलेगा, पूरे जो है फेस्टिवल चलते रहते हैं वगैरह, बहुत मजा आएगा समर में आपको। लवली, नाइस, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच भाई। ओह, व्हाट्स योर नेम बाय द वे? आतिफ, मोहम्मद आतिफ। आतिफ, आप पे नहीं लाना कैमरा? नहीं, ठीक है। तो जी, लोगों से मिल लिए, इंटरव्यू भी ले लिए, कॉलेज पता लग गया कि ठीक ठाक है, अच्छा है, स्टूडेंट्स काफी सारे इंडियन है, और ये सारे जो कोर्स कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, और ये बाबूजी करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है जी, चलो थोड़ा प्रोजेक्ट ऐसे ही मैनेज कर रहे हैं। लोगों की फीडबैक अच्छी है, इंडियंस बहुत हैं, और सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं बहुत फ्रेंडली हैं। बड़ा ही पागल आदमी है, रेड लाइट पे निकल गया बेवकूफ। एनीवेज, जो मॉन्ट्रियल में ना एक ये प्रॉब्लम है, लोगों को ट्रैफिक सेंस जो है ना ऑटवा ऑन्टारियो के मुकाबले थोड़ी सी वियर्ड है। मैं ये नहीं कहूँगा कम है, ज़्यादा लोग मेरे गले ना पड़ जाएं, मगर यहाँ पे जो है ना लोगों को थोड़ी सी पेशेंस कम है, हॉर्न बड़ी जल्दी बज जाते हैं यहाँ पे, अगर आप किसी स्ट्रीट पर थोड़ी सी स्लो हो गए या फिर पेडेस्ट्रियन के लिए लोग कम रुकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा होती है मॉन्ट्रियल के अंदर। तो ये तो था जी इसका कॉलेज और वहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, और अब बस यहाँ से निकलना है आगे की तरफ और वो काम करना है जो कि किसी भी स्टूडेंट के लिए दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है, चाहे तो पहला भी कर सकते हैं, मगर वो ये है कि आपको जाना है आपके बैंक जिसमें आपने अकाउंट खुलवाया है, इंडिया से GIC अकाउंट, जिसके अंदर से आप अपने पैसे पीरियोडिकली निकालेंगे। तो अब हम जा रहे हैं बैंक।
कि यार भाई उसको क्लियर आइडिया नहीं है, तो वो जरा अपने हेड से बात करने लगी है। तो मांगा क्या क्या? अभी तक तो कुछ भी नहीं मांगा, पासपोर्ट, इन्वेस्टमेंट डायरेक्शंस मांगी और आईडी मांगा। ओके, आईडी क्या दिया? पासपोर्ट। हम दोनों बड़ी चौधरी बन के अपना फर्स्ट क्लास कौशिया बैंक पहुंच गए थे कि एक दिन में दो दो काम निपटाएंगे, सुबह कॉलेज शाम को बैंक। बट यहाँ आके पता लगा कि यहाँ पे बैंक वैंक के काम जो है बिना अपॉइंटमेंट के नहीं होते, पूरा का पूरा बैंक खाली था। क्यों भाई? देखा न बंदा न बंदे की जात, पूरा खाली। उन्होंने कहा कि जरा लाइए डिटेल दीजिए, हम जरा देखते हैं अंदर से है, कहते हैं अपॉइंटमेंट। अब ये वीडियो थर्सडे को ही बनाएंगे, हम थर्सडे बनेगी, तो परसों की अपॉइंटमेंट मिली है, आपको मिलेगी फ्राइडे, मिल जाएगी एडिट होके, तो इंडियन टाइम के हिसाब से। तो आज की वीडियो तो जी यही थी कॉलेज वाली, अब कल देखते हैं क्या डालना है इसको। अब ग्रोसरी व्रोसरी करा दी जाए मेरे ख्याल से, या फ़ोन फ़ोन नंबर और ग्रोसरी भी कर लेते ना थोड़ी सी। कल सुबह नाश्ते लायक तो बनू, आज सुबह चॉकलेट दूध जो बना बनाया आया था वो पिया था ना, गंदा था वो। लोग फिर नॉर्मल दूध, भूख बड़ी लगती है। नॉर्मल दूध में बॉर्नविटा मिला के पियो ज्यादा अच्छा होता है, तो पैक्ड चॉकलेट दूध आता है वो इतना घटिया होता है। चल ठीक है, देखो नॉर्मल दूध में पिलाएंगे। हां चल फिर, किने कहा था चॉकलेट तोड़ ले, चलो चलो। बट गाइस, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, और हमारी आगे की कनाडा की जर्नी से जुड़े रहने के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन। फ्रूटी लूप्स लेने फिर आपने? हैं चलो ठीक है, फ्रूटी लूप्स हो गए आपके। मैं लूंगा टिक्के मसाले की करी, यही मिलती है। बट जो लोग वो ये नहीं खाते उनको लेने चाहिए ये जो हम लेने वाले हैं, चिकन टिक्का मसाला। ये बेसिकली करी है, बस इसके अंदर अपना उबला चिकन या फिर सॉटे चिकन डालना है और आपका बटर चिकन, चिकन टिक्का मसाला रेडी। साथ में आप खा सकते हैं नान की, जो भी यहाँ मिलते हैं $4 में 12।